अच्छा डॉक्टर साहिबा, डाइटिंग की बात करें तो आप बताइएगा प्लीज कि डाइटिंग के कितने इकसाम हैं, और डाइटिंग में जो हम डाइट करते हैं जैसे खवातीन के हवाले से अगर आप बताएं तो मोटी खवातीन को क्या करना चाहिए और जो पतली खवातीन खुद को मोटा करना चाहती हैं उनके बारे में। अच्छा बेसिकली ना हमारे यहाँ ये वर्ड यूज होता है डाइटिंग का, लेकिन अदरवाइज ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है। हम ये समझते हैं कि अगर से वजन कम करने तो हम डाइटिंग करें। डाइटिंग बेसिकली मतलब है कि आप किसी भी तरह का प्लान फॉलो करें जिससे लग रहा आप वेट गेन भी कर सकते हैं। मतलब हमारा मकसद सिर्फ वेट रिडक्शन के लिए डाइटिंग नहीं होता, वेट गेन करने के लिए भी आप डाइटिंग फॉलो कर सकते हैं। डाइटिंग का मतलब होता है किसी खास तरह के पैटर्न को फॉलो करना, जिसके अंदर हमारे पास एक्टिव डाइट आ जाती है, हाई फैट डाइट आ जाती है, फाइबर वाली डाइट आ जाती है, सिर्फ डाइट के एग्जाम है। तो अगर हमने आपने जैसे रिपीटेड किया कि मतलब कम करने के लिए अगर हमने करना है डाइट के लिए, तो हमने किस तरह की खुराक का इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल जो है वो करता जा रहा है, हम रिफाइंड चीजों को ज्यादा यूज करते हैं, तो ऐसी तमाम चीजें जिसके अंदर फाइबर की मिकदार जो है कम है, मतलब रिफाइंड से उनको भी डाइट से निकाला जाना चाहिए, और आपने फाइबर रिच खुराक का इस्तेमाल करना है। नाश्ते में सीरियल का ट्रेंड जो है वो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है कि मतलब जैसे होता है दलिया या इस तरह के और चीजें होते हैं उनका इस्तेमाल अगर करते हैं नाश्ते के अंदर तो वो आपका सबसे ज्यादा बेस्ट नाश्ता होता है। इसी तरह से दोपहर के खाने की बात करें तो वहाँ सैलड का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बहुत ओकेजनल ही होता है कि हम सलाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल जो नहीं होता है। हम सालन में बनाते भी इस सब्जी को इस तरह से भूना चाहते हैं कि उसकी वजाइत काफी हद तक काम हो जाती है। तो ये बात आ रही कि हमने दोपहर को भी सलाद के इस्तेमाल किया है, रात के टाइम पे तो सैलड को हजम करना मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि आपकी खुराक के अंदर जितनी रिफाइंड चीजें होंगी उतना मोटापा जो है वो ज्यादा होगा। अगर आप नेचुरली क्लोन चीजें इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हैं, प्रोसेस नहीं है, तो आप अपना वेट जो है वो मेनटेन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे खुराक खाने की तरतीब अलग है, हम मतलब खुराक में चुनाव कर सकते हैं, परहेज कर सकते हैं कि ये चीज हमने खानी है और ये चीज हमने नहीं खानी। बास खवातीन ऐसे करती हैं कि खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देती हैं कि हम बहुत मोटी हो गई हैं, तो बिल्कुल ही खाना पीना इतना कम कर देती है कि वो वीक हो जाती है, चाहे फिजिकली उनकी अपेयरेंस वैसे ही रहे, क्योंकि मोटापा इटसेल्फ इज अ बीमारी, तो वो उसको मोटापे को कम करने की कोशिश में अपने आप को अंदर से वीक कर लेती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे यहाँ क्योंकि शॉर्टकट बहुत ज्यादा तलाश किए जाते हैं, हम जाहिर होते हैं ओवर नाइट हम किसी तरह से वजन कम करें, लेकिन ये बेसिकली वेट रिडक्शन ही नहीं, एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का नाम है। आपको पूरा अपने जिंदगी का पैटर्न चेंज करना होता है, आपकी खुराक भी इसमें आ जाती है, साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम बिल्कुल भी आजकल देखें सारे जो है वो वॉक का ट्रेंड बहुत कम है ना, आमतौर पर हम जो है बस बैठे रहने वाले काम करने में खुश होते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सारी चीजें जो है वो आपके वजन को मेनटेन रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। जी मतलब कि खुराक के साथ साथ आपने अपनी एक्सरसाइज का भी ख्याल रखना है, जैसे योगा कर लिया या फिजिकल एक्टिविटी में, अगर आपने योगा या जिम वगैरह के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो वैसे घर के नॉर्मली काम कर लिया करें, क्योंकि ख्वातीनें जैसे नॉर्मली पाकिस्तानी ख्वातीन बहुत लेजी है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन लेजी तो नहीं है, खैर काम भी करते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि हमारा काम कोई और ही कर दे, तो बैठे रहना एक जगह पे, अगर आपको कोई और काम नहीं भी है फिर भी आप अपने घर को देखें, उसको संवारे या घर के काम झाड़ू कर लेना, उससे भी काफी ज्यादा आपकी बॉडी पे, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा फर्क फील होता है कि आप सिर्फ खुराक ही नहीं अपनी डाइट को मेंटेन तो करते हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मुझे हमारे पाकिस्तान में जो है ना जो खवातीन है, हम काम तो नहीं कहेंगे, मुझे लगता है हम ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं हर हिसाब से, लेकिन ये है कि हमारा जो स्ट्रेस होता है वो मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है। मतलब अगर हम कोई काम घर में भी करें तो वो ऐसा काम है जिसमें हमारे दिमाग का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसका हाथ से नहीं होगी। फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो सही उसी मायनों में होगी जब आप सोच के साथ जो है वो वॉक करने जाते हैं या बाहर निकलते हैं, क्योंकि जाहिर आपके हॉर्मोन भी जो है एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब आप एक खास सोच के साथ जाते हैं, हमें वॉक करने जा रहे हैं, तो एक एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं बेसिकली आपकी बॉडी में, जो कि आपको फील गुड हॉर्मोन जिसको कहते हैं, उससे आपका मूड भी अच्छा होता है। तो डेफिनेटली हमारी जो है ना हमें स्ट्रेसफुली मतलब बेसिकली कहना कि चाहिए हमें दिमागी स्ट्रेस वाले कामों के लिए फिजिकली जो है ऐसे काम करना चाहिए जिससे आपकी फिजिकली एक्सरसाइज भी हो। वॉक की रूटीन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है,
और डाइटरी पैटर्न की वैसे मैंने भी बात की है कि हम बहुत ज्यादा आजकल फैट डाइट फॉलो करते हैं, मतलब चाहे होते हैं कि हम फॉरन से जो है वे प्रोड्यूस करते हैं, जिसके सारे कार्ड्स लगा दिए जाते हैं, चीनी वगैरह लगा दी जाती है और हमने किसी भी तरह के जो है ना कार्बोहाइड्रेट निकाल के इस तरह की डाइट फॉलो कर रहे होते हैं जो बैलेंस नहीं है। तो बेसिकली अगर आपने वजन कम भी करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपने पोर्शन कंट्रोल कर लें, खाएं ना चीज लेकिन पोर्शन को कंट्रोल करते हुए। किसी भी एक अगर आप फूड ग्रुप को अपनी डाइट में निकाल देते हैं तो आपकी डाइट बैलेंस डाइट नहीं होगी और बेसिकली उस फूड ग्रुप के अंदर जो न्यूट्रंट है वो आपको जरूर फायदा दे रहे होते हैं। हर चीज खाएं बट मॉडरेट, हर चीज मतलब पोर्शन कम करें, हर चीज खाएं। लेकिन कुछ लोगों को मीठा खाने का बहुत शौक होता है, तो मीठा अगर मैंने काफी ज्यादा न्यूट्रिशंस को सुना हुआ है कि वो कहते हैं कि चीनी को और इस तरह की मीठी चीजें जो इंसानों ने मीठी चीजें बनाई हुई है उनको बिल्कुल ही कम कर दें, तो उसके बारे में क्या कम क्या बल्कि वो तो कहते हैं अपनी जिंदगी से निकाल दें। बेसिकली ये एक ना बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक है कि आपने सिर्फ रिफाइंड चीजें मतलब चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं या हनी शक्कर या फ्रूट वाले मीठा है उसको भी कम करना है, तो आप ये रिसर्च ये कहते हैं कि इवन अगर आपने वजन कम करना है तो आपको फ्रूट का इंटेक भी कम करना चाहिए। हाँ ये है कि उसके अंदर फाइबर मौजूद है, उसके अंदर और इस तरह की चीजें हैं एंड लाइक वाइटामिन वगैरह मौजूद है जो कि आपकी बॉडी को चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो शुगर मौजूद है वो भी आपके इंसुलिन लेवल बढ़ाती है, वो भी वेट गेन का बायस बनती है। तो अगर आपने फ्रूट वगैरह भी खाना है तो आपने मॉडरेशन के साथ ही खाना है। हमारे ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हम वजन कम करने के लिए बहुत सारे फलों के जूस वगैरह पीना शुरू हो जाते हैं, तो जूसेस का इस्तेमाल जो है वो आपको वेट गेन ही करवाएगा, कम नहीं कर सकते। आपने फ्रूट वगैरह खाने तो आपने एक से दो खाने हैं। इसके अलावा भी आपने चीनी की बात की है तो चीनी हर हिसाब से ही जो है वो आपकी डाइट के अंदर नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर चीनी भी आ जाती है, शक्कर भी आ जाता है, हर तरह का मीठा जो है अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आपको कम ही रखना चाहिए, क्योंकि कैलोरी इसके इस्तेमाल से कोई खास नहीं होता। अगर हम शक्कर की बात करते हैं या चीनी की बात करते हैं तो दोनों में कैलोरी बराबर ही होती है, लेकिन हाँ ये है कि शक्कर थोड़ा सा प्रोसेस कम है लेकिन कैलोरी इसके इस्तेमाल से दोनों में बराबर ही कैलोरी। अच्छा डॉक्टर साहब एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो है इसमें एक हमारी खवातीन को थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए कि वो डाइट का अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये डाइट करने से अपनी खुराक को सही करने से हम जवान भी रह सकते हैं और लंबे अरसे तक जवान रह सकते हैं। बेसिकली ऐसा है कि आप जितनी ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे, नेचर के सोर्स चीजों का इस्तेमाल करेंगे, उनमें एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, फल हो गए, सब्जियां होगी या अनप्रोसेस्ड जो चीजें हैं उसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट ज्यादा है, वाइटामिन ज्यादा है, तो जाहिर है जितने ज्यादा आपकी डाइट एंटी ऑक्सीडेंट रिच होती है, विंटर्स में यहाँ पे आपके जितने भी एजिंग के साइंस होते हैं वो आपकी फेस के ऊपर आपकी बॉडी से कम असर करते हैं, मतलब आहिस्ता असर करते हैं अगर आपकी डाइट एंटी ऑक्सीडेंट रिच होती है। तो बहुत जरूरी है कि आप नेचर के सोर्स में प्रोसेस चीजों के इस्तेमाल से कम करें और ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और डॉक्टर साहिबा ने लास्ट पर ये कहा कि हमने ऑर्गेनिक चीजें खानी है, नेचुरल चीजें खानी है, फल सब्जियां फ्रूट्स वगैरह ये चीजें खानी है और जो प्रोसेस्ड खाने हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाने, तो हमारे रिंकल्स और हम जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। तो खवातीन इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और देखना जिंदगी कितनी खुशगवार, और देखना जब भी आपके हस्बैंड आएंगे आप कहेंगे आप तो अभी भी जवान है, चाहे आपकी एज 30, 35 या 40 तक पहुंच जाए, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मशहूर अदाकार आए हैं इतनी पुरानी है लेकिन फिर भी वो स्क्रीन पर आए तो ऐसे शाश बाश बैठी होती है, तो क्यों, वो अपना ख्याल रखती हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, वो बहुत कुछ करती हैं, तो हम थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालें।